घुटनों का कालापन दूर करने के उपाय उन लोगों के बहुत ही आवश्यक हैं जो इस प्रकार की समस्या से परेशान हैं। अक्सर देखा जाता है कि शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा घुटनों की त्वचा का रंग बहुत ही डार्क या गहरा होता है। इसलिए अधिकांश महिला और पुरुष अक्सर इस कालेपन को छिपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप घुटनों के कालेपन को दूर कर सकते हैं। इस आर्टिकल में घुटनों का कालापन दूर करने के कुछ प्रभावी घरेलू उपाय मौजूद हैं। आइए घुटनों में कालापन आने का क्या कारण है और घुटनों का कालापन दूर करने के उपाय जानते हैं। क्या आपके लिए छोटी ड्रेस और स्लीवलेस टॉप पहनना शर्मनाक है? उन कपड़ों को अंदर फेंकने के बजाय आप काले घुटने को गोरा करने के लिए एक सही समाधान की तलाश कर सकते हैं। यहाँ आपके घुटनों का कालापन दूर करने और आत्मविश्वास के साथ अपने पसंदीदा कपड़े पहनने में मदद करने के लिए घरेलू उपाय बताए गए हैं। घुटनों के काले होने का कारण। डार्क घुटनों की समस्या त्वचा के अधिक मृत कोशिकाओं के संचय के कारण होती है। घुटनों की त्वचा का काला होने के अन्य कारणों में शामिल हैं। प्रभावित क्षेत्र पर मृत त्वचा कोशिकाओं का संचय, सूर्य की रोशनी में अधिक देर तक रहना, जन्म नियंत्रण गोलियां और अन्य गर्भ निरोधक दवाएं, झाइयां पड़ना, एज सपोर्ट, एक्जिमा और सोरायसिस जैसी त्वचा समस्याएं, पुरानी सूजन या चोट के निशान। इस तरह के अन्य कारण भी होते हैं जो आपके घुटनों को डार्कनेस के लिए संवेदनशील बनाते हैं। लेकिन इस समस्या से छुटकारा पाने के कुछ प्राकृतिक उपाय भी मौजूद हैं। आइए जानें किस तरह से हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। घुटनों का कालापन दूर करें एलोवेरा से। क्या आपकी घुटनों का रंग त्वचा के रंग से डार्क है? यदि ऐसा है तो आप घुटनों के कालापन को दूर करने के लिए एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। 2012 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि एलोवेरा जेल त्वचा के कालेपन को दूर करने में मदद कर सकता है। ऐसा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर उत्तेजना के कारण होता है। आप इस समस्या को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल या इससे बने उत्पादों का उपयोग अपनी त्वचा में कर सकते हैं। प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे प्रभावित क्षेत्र में दिन में 2 बार लगाएं। यह आपके घुटनों के कालेपन को दूर करने का प्राकृतिक और प्रभावी तरीका हो सकता है। घुटनों के कालापन का घरेलू उपाय है हल्दी। यह एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसे हम सामान्य रूप से मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन आप हल्दी का उपयोग घुटनों के रंग को साफ करने के लिए कर सकते हैं। हल्दी का उपयोग त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। घुटनों का कालापन भी एक त्वचा समस्या ही है। इसे दूर करने के लिए आप हल्दी पाउडर का पेस्ट बनाएं और इसे सीधे ही प्रभावित क्षेत्र में लगाएं। लगभग 10 मिनट के बाद इसे धो लें। नियमित रूप से हल्दी का पेस्ट लगाने से आपके घुटनों का रंग जल्द ही साफ हो सकता है। घुटनों को साफ करने का तरीका है बेकिंग सोडा। आपकी त्वचा को साफ करने वाले गुण बेकिंग सोडा में मौजूद रहते हैं। इसका उपयोग करने पर यह त्वचा की ऊपरी परत में मौजूद मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। इस तरह से आप घुटनों की त्वचा को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा की आवश्यकता होती है। आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को घुटनों में अच्छी तरह से लगाएं और धीरे धीरे इसे कुछ देर तक स्क्रब करें। लगभग 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लें। इस विधि का उपयोग सप्ताह में 2 बार किया जाना चाहिए। बेकिंग सोडा और दूध। बेकिंग सोडा त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकता है और दूध त्वचा को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। बेकिंग सोडा और मिल्क मिक्स कर अच्छी तरह से अपने घुटनों पर लगाएं और 2 से 3 मिनट के लिए धीरे से रगड़ें। इसे हर दूसरे दिन करें जब तक घुटनों का रंग हल्का न हो जाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।